हे व्हाट्स अप गाइस, किंग इज बैक टू न्यू वीडियो। अभी तो गाइस आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसे आईडीज लाया हूँ जो आपको आईडीज अच्छे लगे या बुरे लगे आप मुझे बता देना। तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। और अब तक अपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो डूड नीचे सब्सक्राइब का बटन जाके सब्सक्राइब के बटन प्रेस कर दो और बेल आइकन का अच्छे से दबाना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस चलो इंट्रो लगा देते हैं और वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। बहुत हो गया। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो कोई भी आईडी सेल नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप आईडी सेल नहीं बोल के वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को पहले पूरा देखिए। क्योंकि आपको बहुत मतलब ऐसे बंदे हैं जो आपको मतलब बना रहे हैं और आपको आईडी भी नहीं दे रहे हैं और कई सारे यूट्यूबर भी हैं उसमें। और कई सारे यूट्यूबर मतलब कोई भी एक आईडी उठा लेते हैं और उससे बता देते हैं आईडी सेल है, इसमें ड्रैगन है कि परमानेंट है, वो है, कुछ भी नहीं होता गाइस। तो मैं आपको और स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दूँगा। तो चलो बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे जो यूट्यूबर भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई भी एक आईडी उठा लेते हैं और बोलते हैं आईडी सेल है, ये हो वो है, ले लो किसी को चाहिए, 25,000 कीमत है, 10,000 है, 15,000 है, ले वो ले, 71 है। ऐसे नहीं देगा गाइस कोई भी 71 गाइस। आईडी बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता है ना आपको। और ऐसे ही कोई भी इतने पैसों में नहीं देगा आईडी। और हमारे फेसबुक पर भी गाइस मैं बता दूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जब एक आईडी एक बंदे ने बोला आईडी से ले भाई और किसको चाहिए वो ले लो, फेसबुक के बहुत ग्रुप है, आप भी फेसबुक यूज़र ही होगी क्योंकि आप फेसबुक से आईडी आपकी होगी तो आप फेसबुक यूज़ करते होगे। तो फेसबुक के ग्रुप पर कई सारे बंदों ने क्या करते पोस्ट करते हैं आईडी से ले, रिडीम कोड देना पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो मैंने एक बंदे ने किया था तो मैंने उसे पूछा भाई आईडी से ले क्या, उसने बोला हाँ आईडी से ले और चाहिए तो ले वरना मत ले, ऐसे बोला मुझको। तो मुझे लगा ये बंदा ऐसे बोल रहा है तो आईडी से ले होगी इसे। तो मैंने उसका व्हाट्सअप नंबर ले लिया और पूछा भाई आईडी से ले ना तो प्राइस बता दो। उसने बोला 200 रुपये का रिडीम कोड देना पड़ेगा तभी तुमको मैं आईडी दूंगा। ओके ठीक है बोला, तो चलो दे दो आईडी बोला। तो मैंने उसको रिडीम कोड दे दिया और देने के बाद बंदे ने बोला सबसे पहले तो तुझे रिडीम कोड देना पड़ेगा तभी मैं तुझे आईडी दूंगा। तो उसने वो इतना ट्रस्टेड होकर बोल रहा था कि मुझे लगा कि भाई आईडी दे ही देगा मुझे, ऐसे लगा मुझे। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है भाई तो दे दो बोला आईडी मुझे। तो उसने मतलब मैंने रिडीम कोड देने के बाद मुझे वो जब FB से भी ब्लॉक किया और व्हाट्सअप से भी ब्लॉक किया। और मैं वो एक ही नंबर था ना उस मेरे पास उसका। और जब भी मैंने दूसरे नंबर पर उसे कॉल कर रहा हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रहा है और जो नंबर पर से कॉल कर रहा हूँ वो नंबर ब्लॉक कर रहा है गाइस। तो आप ऐसे मत बनो गाइस किसी भी, अगर वो अगर आपको आईडी चाहिए तो आप क्या करो उसके डैड नहीं तो किसका तो नंबर ले लो और उसे कॉल करके बता दो ऐसे ऐसे आपका लड़का आईडी बेच रहा है और मैं आईडी ले रहा हूँ बोलिए, और तभी ले जाओ और 2-3 नंबर ले रखिए उसके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आईडी लेने के लिए। और ऐसे गाइस आईडी ले ही मत लो क्योंकि ऐसे हो रहा है ना जो बंदे क्या करते हैं रिडीम कोड ले लेते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में मतलब आपको परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे बंदे होते हैं गाइस। तो गाइस इतना ही आपको इस वीडियो में बताना था। और खास कर तो फेसबुक पर आप मत ये कीजिए, फेसबुक पर तो आपको बहुत मतलब बनाया जाता है गाइस, फेसबुक पर तो आपको आईडी नहीं मिलती ही नहीं गाइस। तो फेसबुक पर मत यूज़ कीजिए, फेसबुक पर कोई पोस्ट आती है तो उस पर मत जाइएगा नहीं तो आपको पकड़ के आपके पैसे तो चले ही जाएंगे बट आपको आईडी भी नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। और कई सारे यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनका तो चलता नहीं ना तो इसी से चला लेंगे वो और व्यूज़ भी आ जाते हैं तो इसलिए वो बोलते हैं 71 लेवल है भाई लोग आईडी ले लो ले लो ले लो, फिर हमारे भाई लोग जाते हैं आईडी ले लेते हैं। तो कहीं इतना ही आपको इस वीडियो में बताना था। तो कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, सलामत रहो, अच्छे से रहो और इसे बनो मत, दूसरों को बनाओ।